परिंदे का घोंसला तो उजाड़ सकते हैं, उसका हौसला कैसे छीन लेगा? इस देश में आप उनका पद हटा सकते हैं, उनकी प्रतिष्ठा पर प्रहार नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कहती हूँ, राहुल गांधी होना आसान नहीं। एक 14 साल का बच्चा जब घर आता है और अपनी दादी को 32 गोलियों से छलनी लहूलुहान देखता है तो उस अबोध मन पे क्या बीती हो। कायर है वो, मोहब्बत देखकर हमेशा घबराते हैं। इतना भी षड्यंत्र रच ले, सदस्यता रद्द हो जाए, सरकारी बंगला छिन जाए, ये अद्भुत है कि आज ये देश उठ खड़ा हुआ है। गरीब, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, अमीर, मध्यम वर्ग आज उठ खड़ा हुआ है और हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है, मेरा घर आपका घर। मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कहती हूँ, राहुल गांधी होना आसान नहीं। एक 14 साल का बच्चा जब घर आता है और अपनी दादी को 32 गोलियों से छलनी लहूलुहान देखता है तो उस अबोध मन पे क्या बीती होगी। 7 साल बाद विदेश में पढ़ते वक्त फोन पे पता चलता है पिता शहीद हो गए और जब उनकी अंत्योष्टि के लिए वो लौटते हैं तो उनके बिखरे शरीर के टुकड़ों को जोड़ते हैं। उसके बावजूद भी उनके मन में कोई गुस्सा नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, हर वक्त प्यार की बात करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी होना आसान नहीं है। राहुल गांधी की रगों में शहीदों का खून है और इसीलिए वो इस देश के लिए सतत लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। वो लड़ते हैं इस देश के गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, मजलूमों के लिए, मजदूरों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, और जब उनको लगता है कि ये लड़ाई सीधे लोगों तक ले जानी होगी तो वो इस देश की सड़कें नाप देते हैं। क्या बेपनाह मोहब्बत मिली उनको कश्मीर और कन्याकुमारी की यात्रा करते वक्त, जिस तरह से लोगों ने उनको गले लगाया, पिता तुल बुजुर्गों ने, माओं ने, बहनों ने, युवाओं ने, बच्चों ने, ऐसा लगा कोई अपना बिछड़ा मिल रहा हो। और यही मोहब्बत या टूट विश्वास आपकी कमाई है राहुल जी, और इसी से सामने वाले घबराते हैं। जो कायर हैं वो मोहब्बत देखकर हमेशा घबराते हैं। लेकिन एक बात सच है कि कितना भी षड्यंत्र रच लें, सदस्यता रद्द हो जाए, सरकारी बंगला छिन जाए, ये अद्भुत है कि आज ये देश उठ खड़ा हुआ है। गरीब, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, अमीर, मध्यम वर्ग आज उठ खड़ा हुआ है और हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है, मेरा घर आपका घर। राहुल जी, आज उस देश ने आपके लिए अपने दिल और दरवाजे दोनों खोल दिए हैं। ये आपकी कमाई है, ये आपकी पूंजी है, ये आपकी धरोहर है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं मोदी जी आपसे, परिंदे का घोंसला तो उजाड़ सकते हैं, उसका हौसला कैसे छीनिएगा? इस देश में आप उनका पद हटा सकते हैं, उनकी प्रतिष्ठा पर प्रहार नहीं कर सकते। इस देश में आप उनका घर छीन सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जो राहुल गांधी की रगों में है उसको कैसे छीनिएगा? राहुल जी, मेरा घर आपका घर है।